नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हरि किशोर और स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल किशोर टिकटॉक पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप बजाज फाइनेंस के EMI कार्ड अगर लेते हो तो उससे फर्स्ट टाइम शॉपिंग कैसे कर सकते हो ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। दोस्तों, मेरे को भी बजाज फाइनेंस का EMI कार्ड मिला, लेकिन फर्स्ट शॉपिंग करने के लिए मैं सारा दिन परेशान हो गया। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में इसी बारे में बात करने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों, अगर आप बजाज फाइनेंस कार्ड आप अप्लाई करते हो और आपको मिल जाता है तो आपका जो आईडी है, आप आईडी देते हो और एड्रेस कहाँ का देते हो ये सबसे ज़्यादा डिपेंड करता है। और आपको फर्स्ट टाइम शॉपिंग कर आपको ऑफलाइन ही करना पड़ेगा। पहले क्या था कि लॉकडाउन में आप ऑनलाइन जैसे अमेजन फ्लिपकार्ट इस पर भी आप फर्स्ट टाइम शॉपिंग कर सकते थे बजाज फाइनेंस के EMI कार्ड से। लेकिन अब क्या हो गया है कि अगर आपको बजाज फाइनेंस का EMI कार्ड मिलता है तो आपको ऑफलाइन ही जाके एक बार शॉपिंग करना पड़ेगा और एक्टिवेट कराना पड़ेगा। और सबसे ध्यान देने वाली चीज़ ये है कि आपका आईडी किस स्टेट का है। मान लीजिए बिहार, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, मतलब जो आप बंगाल, जहाँ का भी आपका आईडी है, आप फर्स्ट टाइम वहीं पर शॉपिंग कर पाओगे। और आप बजाज फाइनेंस EMI कार्ड को अप्लाई करते समय भी एक ध्यान रखना होता है कि आपका जहाँ का आईडी है वहीं का करेंट एड्रेस भी दीजिएगा। नहीं तो अगर मान लीजिए करेंट आपका आईडी है बंगाल का और करेंट एड्रेस आप दिल्ली का दे रहे हो तो आप ना तो दिल्ली में शॉपिंग कर सकते हो और ना ही बंगाल में, मतलब पश्चिम बंगाल में कहीं नहीं आप शॉपिंग कर सकते हो। इसलिए जहाँ का आपका आईडी है वहीं का एड्रेस दीजिएगा। और बहुत लोग जो कमाने के लिए बाहर निकलते हैं, जैसे मेरे तरह, मैं अभी दिल्ली में हूँ और मेरा आईडी बिहार का है, लेकिन मैं जब बजाज फाइनेंस का EMI कार्ड लिया तो मैं गया दिल्ली में शॉपिंग करने ऑफलाइन, लेकिन कहीं भी नहीं हुआ एक्टिवेट मेरा कार्ड। वो लोग बोले कि आपका कार्ड बिहार से ही एक्टिवेट होगा, तो जहाँ की आईडी होगी वहीं आपको कार्ड एक्टिवेट कराना पड़ेगा और फर्स्ट टाइम शॉपिंग वहीं ऑफलाइन जहाँ जिस स्टेट की आईडी है उसी से होगा। तो ये बात आप ध्यान रखें। इसी तरह से आप अपना फर्स्ट शॉपिंग EMI कार्ड से, बजाज के फाइनेंस के EMI कार्ड से कर सकते हो। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, बाय बाय।